ही गाइज़, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट टेरोनिया के बारे में। ये प्लांट विंटर्स में काफ़ी नर्सरीज़ में हमें देखने मिलता है और ये बहुत ही सुंदर सा फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें हमें बहुत कम केयर करनी होती है इस प्लांट की, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आज मैं इसी प्लांट के बारे में आपके साथ बात करूंगी। इस प्लांट की केयर कैसे करना है, इसमें हम मैक्सिमम फ्लावर्स कैसे लेते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेरोनिया जो प्लांट है, इसे विशबोन भी कहा जाता है। इस प्लांट को हम लोग धूप में जब ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं, और जनरली कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको धूप बहुत पसंद होती है। धूप में प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग देता है, तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम ये प्लांट अपने घर में रखते हैं तो इसे आप धूप में रखिएगा। और ये प्लांट पेरेनियल है, पूरे साल भर इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं, तो थोड़ी हम इसे प्लांट की केयर करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा ये ज़्यादा फीडर नहीं है, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी अगर हम इसकी देखभाल करते हैं तो प्लांट में हम काफ़ी सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो ये जो प्लांट है आप देख रहे हैं, इसमें हर ब्रांच पे फ्लावरिंग है और मैक्सिमम इसमें फ्लावरिंग आती है। बहुत हेवी फ्लावरिंग ये प्लांट करता है और बहुत ही सुंदर सा ये फ्लावरिंग प्लांट लगता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो दिखते ही नहीं है जब ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होती है। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि प्लांट को धूप में रखना है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लावर्स लेना है तो इस तरीके से जो डेड फ्लावर्स होते हैं उनकी हमें पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट की जो एनर्जी होती है वो नए फ्लावर्स बनाने में लग जाती है, क्योंकि जो ये जो डेड फ्लावर्स होते हैं वो सीड रेडी करते हैं, और जब सीड रेडी करने प्लांट लग जाता है तो वो अपनी सारी एनर्जी सीड बनाने में ही लग जाता है, फ्लावर्स फिर नहीं बनते हैं। तो ये जो सीड है अगर मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप ही प्लांट रेडी करता है। तो आपको सीड को बाहर नहीं फेंकना है, उसी प्लांट में डाल दीजिए, या फिर आप कोई भी पॉट में उसको डाल सकते हैं, उससे हम लोग न्यू प्लांट रेडी कर सकते हैं। प्लांट को अगर पानी की बात करें तो पानी हमें इसको चेक करके देना है। अगर मिट्टी गीली है तो ही तो प्लांट को पानी बिल्कुल नहीं देना है, 3 से 4 दिन बाद आप इसको पानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। इसकी मिट्टी रेडी करने के लिए हमें 40% इसमें गार्डन सॉइल लेना होता है, 20% इसमें हमें कंपोस्ट मिक्स करना है। आप काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और इसमें हमें 40% लेना है सैंड, या तो फिर आप कोकोपीट ले सकते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी पोरस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा पानी रहता है तो इसके ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, तो पानी से ये ख़राब हो जाता है अगर ज़्यादा पानी पॉट में रहता है। इसलिए हमें जब भी हम पॉट रेडी करते हैं तो इसका कंपोजिशन ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके कटिंग से हम इस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है इसकी आप कोई भी ब्रांच अगर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपको ब्रांच को कट कर देना है, और ये प्लांट बहुत इजीली कटिंग के साथ हम ग्रो कर सकते हैं। तो छोटी से छोटी इसकी ब्रांच हम लोग लगाते हैं तो ग्रो हो जाती है, तो हमें ज़रूरत होती है कटिंग्स की। आप घर में ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास प्लांट है तो, और आपको लेना है, मैंने इसमें कोकोपीट लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें गार्डन सॉइल लिया हुआ है, और आप कोई भी पॉट में लगा सकते हैं। तो ब्रांच में अब ध्यान दीजिए कि 1 से 2 लीव्स ही हो, ज़्यादा लीव्स इसमें ना हो, और इस तरीके से आपको लगा देना है। तो ये 8 दिन में ही इसका रिज़ल्ट शो करती है, इसमें रूट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो फ्लावर्स होते हैं उसको हमें निकाल देना है, क्योंकि अब ये फ्लावर इसमें काम नहीं आते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि प्लांट पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब ये कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाएगी, तो आप भी इस तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग जो हम लगाते हैं उसको ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा, क्योंकि एक बार पानी देने के बाद हमें इसको 5-6 दिन तक के पानी नहीं देना है, नहीं तो आपकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये प्लांट सीड के साथ और कटिंग के साथ हम लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी सारे प्लांट्स हम अपने घर में रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो पानी का तुरंत निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मैं रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी, जो मैंने कटिंग लगाई है। तो आप भी इस तरीके से कटिंग
और काफ़ी सारे प्लांट्स आप रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है तो हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रेडी करने हैं तो ये तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये प्लांट इजीली अभी तो नर्सरी में अवेलेबल है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा टेरोनिया प्लांट, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।